आपको उस चित्र को अच्छे से देखना है बेटा। तो देखो बेटा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, बरबर। ये चित्र किसका है बेटा? आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता सकते हो, ये चित्र किसका है? यस, सही। ये चित्र है बेटा सर्कस का, बरबर। ये चित्र है सर्कस का, सर्कस देखने जाते हैं ना हम। यस, तो ये चित्र है बेटा सर्कस का। सर्कस में ये सारों के सारे हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बरबर। यस, ये दूसरा चित्र है ना बेटा, ये दूसरा चित्र जो सबके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है अभी, ये दूसरा चित्र किसका है? मुझे चैट बॉक्स में बेटा आंसर दो, ये दूसरा चित्र कौन सा है, क्या कहते हैं बेटा इसे? चैट बॉक्स में मुझे आंसर दो। यस, इसे कहते हैं बेटा जोकर, इसे कहते हैं जोकर। राइट है बेटा, राइट है। तो ये जो जोकर है ना बेटा, जोकर ये सर्कस में रहता है। देखो इधर एक इधर दिखाया भी है, देखो सर पॉइंट कर रहे बेटा, इधर दिखाया भी है, ये जोकर है जो सर्कस में रहता है, राइट। हाँ, तो बेटा ये जो जोकर है ना, जोकर, इस जोकर के बारे में थोड़े हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, देखो जोकर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द जोक से हुए है, मतलब जो जोकर है ना बेटा, जोकर ये नाम है, उसको कहाँ से मिला? इंग्लिश शब्द है बेटा जोक। इंग्लिश शब्द कौन सा है? जोक, सबको पता है। उस जोक ये शब्द से उसको नाम मिला है, कौन सा? जोकर। इंग्लिश में एक शब्द है बेटा सबको पता है, कौन सा शब्द है? जोक। देखो सर बेटा पॉइंट आउट कर रहे हैं, जोक ये शब्द है, ये जोक ये शब्द से उस शब्द की उत्पत्ति हुई, कौन से शब्द की? जोकर शब्द की उत्पत्ति हुई। सेकंड देखो बेटा जोकर के बारे में, जोकर यह व्यक्ति होता है जो लोगों को हंसाता है, हमें सभी सभी को बताया बेटा। जोकर कौन रहता है? जोकर ऐसा व्यक्ति रहता है, ऐसा आदमी रहता है जो हमें क्या करता है बेटा, हंसाता है, बराबर। जो हमें क्या करता है, हंसाता है। जब हम सर्कस देखने जाते हैं तो उधर जोकर रहता है बेटा, और वो जोकर क्या करता है, हमें हंसाता है। वह अपनी मजेदार कला से सबका मनोरंजन करता है। देखो बेटा उसके अंदर जो भी कला है, जो भी उसके अंदर गुण है, क्वालिटीज है, वो क्वालिटी दिखा के, गुण दिखा के, कला दिखा के हमारा क्या करता है बेटा, वो मनोरंजन करता है। देखो ये इधर है बेटा, ये मनोरंजन शब्द है, बरबर। हमारा क्या करता है, वो मनोरंजन करता है। सॉरी, नेक्स्ट चौथा देखो बेटा, उसमें हर किसी को खुश करने की अपूर्व क्षमता होती है। देखो वो जो जोकर रहता है ना बेटा, जोकर, जोकर में ऐसी क्षमता रहती है, जोकर में ऐसी क्षमता रहती है बेटा, क्षमता मतलब बेटा ताकत, उसमें ऐसी ताकत रहती है कि वो क्या कर सकता है बेटा, सबको सबको क्या कर सकता है, खुश कर सकता है, सबको हैप्पी कर सकता है। जोकर के सामने जब हम जाते हैं बेटा तो हमारा दिल, हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो हमें हंसाता है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं बेटा, खुश हो जाते हैं। वह अपने मजाकिया स्वभाव से लोगों को हंसाता है। उसका स्वभाव कैसा रहता है बेटा? मजाकिया स्वभाव रहता है। मजाकिया स्वभाव मतलब वो बहुत मजा करते हैं, जोक मारता है, कैसे भी एक्टिंग करता है, और लोगों को क्या करता है बेटा, हंसाता है। वे लोगों को अपने असली चेहरे से परिचय नहीं करवाते हैं। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो जोकर रहता है ना बेटा, जोकर, उसका असली चेहरा कौन सा है ये हमें कभी भी पता नहीं चलता, बरबर ना। कौन जोकर बना है इसमें से हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता बेटा? वो आगे दिया है, वो जोकर रहता है ना बेटा, वो क्या करता है बेटा, अपने चेहरे को अजीब रंगों से रंगे रहता है। मतलब जो जोकर रहता है ना बेटा,
अलग अलग रंग लगा के रखता है बेटा अपने चेहरे के ऊपर, बराबर। जैसे कि देखो बेटा इधर दिखाया था मैंने, बराबर ना, देखो बहुत सारे कलर लगाए हैं बेटा। देखो इधर लाल कलर लगाया है, बराबर, लिपस्टिक जैसा लगाया है। इधर देखो बेटा बालों को थोड़ा सा ऐसा कलर किया है, ड्रेस भी कैसा पहना है, देखो बेटा, है ना। मतलब जोकर ऐसी ऐसा आदमी रहता है बेटा जिसे हम पहचान ही नहीं सकते, और अलग अलग कलर लगा के बेटा वो आता है, जिस वजह से वो हमें पहचाना नहीं जाता। कुछ बच्चों को जोकर डरवाना भी लगता है। देखो बेटा जो छोटे 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 जो लड़के रहते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के, उनको बेटा जोकर डरावना लगता है। क्योंकि आदमी कैसे रहता है, नॉर्मल आदमी अलग दिखता है, और जोकर कैसा है, थोड़ा बेटा अलग दिखता है, कॉस्ट्यूम पहन के आता है, कलर लगाता है ना, इसलिए कभी कभी क्या होता है बेटा, जो छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, उसे देखकर डर जाते हैं। वह अपनी वेशभूषा और मेकअप से बहुत अच्छा लगता है। जो जोकर है बेटा अपनी वेशभूषा से, वेशभूषा मतलब बेटा जो कॉस्ट्यूम है उसका, जो पहनता है, उससे बहुत ही वो क्या लगता है, अच्छा लगता है। सर्कस शो में जोकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जोकर है वो सर्कस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ऐसी एक भी सर्कस नहीं है बेटा जिस सर्कस में जोकर नहीं है। एक्चुअली मैं तो कहूंगा जोकर के बिना सर्कस ही क्या है, अधूरी है, बराबर ना। सर्कस नहीं रहेगा तो उस जोकर का, सॉरी, जोकर नहीं रहेगा तो उस सर्कस का कोई मतलब ही नहीं है, बराबर। मतलब जो जोकर रहता है बेटा वो सर्कस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट। वो एकदम इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है बेटा जोकर सर्कस का। तो ये सभी बातें हो गई बेटा जोकर के बारे में, जिसका चित्र हमने अभी देखा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बेटा हमारा जो चौथा लेसन है, जो हमारा चौथा लेसन है बेटा, वो चौथा लेसन भी कौन सा है, जोकर। जो चौथा लेसन है उस लेसन का नाम भी क्या है बेटा, जोकर। अभी इस लेसन के बारे में, इस पार्ट के बारे में हमें सीखना है, ओके। तो देखो इस पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखो बेटा प्रस्तुत पाठ में मुहावरे, मुहावरों और कहावतों द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मतलब बेटा ये जो पाठ है जोकर, जोकर पाठ में क्या किया है बताया गया, कहावतें और मुहावरे दिए हुए हैं, कहावतें और मुहावरे दिए हुए हैं। अभी कहावतें और मुहावरे ये किस लिए यूज होते हैं बताए क्या बेटा, उसका वापर क्यों होता है, कि जो भी अपनी जो बात है, जो हमें कहने की, मतलब जो हमें कहना है बेटा, वो कम से कम शब्द में व्यक्त करने के लिए, कम से कम शब्द में व्यक्त करने के लिए, मतलब कम से कम शब्द से, कम से कम शब्द में बताने के लिए मुहावरे और कहावते का वापर किया जाता है। समझ में आ रहा है, वापस एक बार सर बता रहे बेटा, जो भी चीज हमें कहने की है, बात हमें बताने की है, उस बात को कम से कम शब्द का वापर करके हमें बताना है तो हम मुहावरे या कहावतों का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो बेटा इधर दिया हुआ है, एक देखो एक चित्र है, ये किसका चित्र है बेटा, घर, मुर्गी, बराबर, और ये कह रहे बेटा दाल है, दाल, दाल है। मतलब इससे कौन सी कहावत तैयार हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर, बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये अभी एक बेटा मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका मतलब होता है बेटा अपने पास जो भी वस्तु है उस वस्तु को महत्व न देना, हमारे पास जो भी वस्तु है उसे महत्व न देना, उसे इंपॉर्टेंस नहीं देना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, घर की मुर्गी दाल बराबर, ओके। अभी सेकंड देखो बेटा, इधर सेकंड भी दिया है, 9-2-11 होना, सॉरी 9-2-11 होना, 9-2-11 होना मतलब बेटा भाग जाना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। एग्जांपल देखो, पुलिस को देखते ही, पुलिस को देखते ही
चोर 9 2 11 हो गए। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया बेटा, इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया कि पुलिस को देखते ही जो चोर है वो चोर भाग गए। समझ में आ रहा है? 9 2 11 होना मतलब बेटा भाग जाना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और एक्सप्लेन करने के लिए सर ने क्या बताया, एक वाक्य बताया, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए मतलब भाग गए। ऐसे ये क्या रहता है बेटा, मुहावरे रहते हैं। अभी मुहावरे मतलब क्या, देखो मुहावरे मतलब बेटा ऐसा एक वाक्य रहता है, ऐसा एक छोटा शब्द रहता है जो अपने साधारण अर्थ को जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरा या वाक्धारा भी कहते हैं। देखो बेटा मुहावरा मतलब बेटा ऐसा वाक्यांश रहता है, ऐसा वाक्य रहता है जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे कि देखो बेटा इधर ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, 9 2 11 होना मतलब 9 2 11 होना इसका मतलब ऐसा है क्या कि 9 + 2 मतलब 9 + 2 इज इक्वल टू 11, इसका अर्थ ऐसा है क्या? नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है बेटा। यही चीज इधर बताइए कि मुहावरा मतलब ऐसा वाक्य रहता है बेटा जिसका अर्थ जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो नहीं रहता बेटा, इसका अर्थ दूसरा ही रहता है। जैसे इधर था बेटा देखो 9 2 11, इसका अर्थ क्या है बेटा, भाग जाना। 9 2 11 मतलब भाग जाना। मतलब मुहावरे बेटा ऐसे शब्द रहते हैं, ऐसे वाक्य रहते हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं। बराबर, जैसे कि सर ने इधर भी दिखाया, देखो बेटा 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ओके, अब ये जो मुहावरे रहते हैं ना बेटा, मुहावरे इसके बारे में, मतलब मुहावरे क्यों यूज करते हैं उसके बारे में देखो बेटा, वक्ता का आशय कम से कम शब्दों में स्पष्ट हो जाता है जब हम मुहावरे का वापर करते हैं, मुहावरे का जब हम उपयोग करते हैं बेटा, मुहावरे का जब हम उपयोग करते हैं तब जो वक्ता रहता है, वक्ता मतलब बेटा बोलने वाला। अभी इधर वक्ता कौन है, चेतन सर वक्ता है, क्योंकि चेतन सर बात कर रहे हैं। बराबर, तो जो वक्ता रहता है बेटा, वक्ता को करने वालों को अपनी जो बात है वो बात कम से कम शब्दों में कहने के लिए मुहावरा यूज करते हैं। बराबर, कम से कम शब्द में कहने के लिए मुहावरा यूज करते हैं। सेकेंड को बेटा, जो वक्ता रहता है बेटा, वक्ता वक्ता को कम से कम शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर देता है। मतलब जो वक्ता है बेटा, वक्ता है, वक्ता को ये जो मुहावरा रहता है वो क्या करता है बेटा, प्रभावपूर्ण, देखो इधर मैंने हाईलाइट किया बेटा, प्रभावपूर्ण मतलब बेटा इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिवली उस वक्ता को क्या करता है बेटा, अभिव्यक्त कर देता है। अभिव्यक्त कर देता है मतलब बेटा प्रस्तुत कर देता है, सादर कर देता है। बराबर, मतलब कम से कम शब्द में एकदम इफेक्टिवली जो उसे कहना है वो सामने वाले को कह देता है। ये जो सेकेंड है ना बेटा, सेकेंड, ये सेकेंड पॉइंट है, इसका अर्थ क्या है, जो भी बताने वाला रहता है बेटा वक्ता, उसे जो भी कहना है वो कम से कम शब्द में एकदम इफेक्टिवली सामने वाले को कह देता है। थर्ड देखो, भाषा सबल सशक्त एवं प्रभावोत्पादक बन जाती है। मतलब जो भाषा है बेटा, मतलब जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कैसी बन जाती है, एकदम अच्छी बन जाती है, मतलब सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। अभी देखो बेटा, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब पाठ में क्या क्या दिया हुआ है। इस पाठ में जो भी मुहावरे बताए हैं ना बेटा, वो सभी के सभी मुहावरे जोकर के रिलेटेड है। जोकर के जो भी भाव रहते हैं, हावभाव रहते हैं, चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन रहते हैं बेटा, उसके ऊपर ही ये सब मुहावरे बताए हुए हैं। अभी एक एक करके बेटा हमें देखना है। ओके, देखो पहला देखो बेटा, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। देखो जो जोकर रहता है बेटा, अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है।
अभी इसमें मुहावरा कौन सा आया है जो हाईलाइट किया है ना बेटा, वो जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब बेटा प्राणों की परवाह न करना, मतलब जो जोकर रहता है अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमें क्या करता है, कलाबाजियां दिखाता है। बराबर ना, वो ऐसा सोचता है क्या, नहीं बाबा इसे मैं इधर से गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, ऐसा सोचता है क्या बेटा? नहीं, वो क्या करता है बेटा, अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए, अपने जीवन की परवाह न करते हुए हमें कलाबाजियां दिखाता है। तो बेटा प्राणों की परवाह न करना, इसे क्या कहते हैं बेटा, जान पर खेलना। ओके, सेकेंड है बेटा, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों से हंसाता है, सॉरी लोगों को हंसाता है। देखो बेटा, जो जोकर रहता है, जोकर क्या करता है बेटा, झूठ मूठ का ठहाका लगाता है। ठहाका लगाता है मतलब बेटा झूठ मूठ का जोर से हंसता है। बट ठहाका लगाना मतलब बेटा जोर से हंसना, ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना, मतलब वो जोकर रहता है ना बेटा जानबूझकर जोर से हंसता है और लोगों को भी क्या करता है, हंसाता है। मतलब ठहाका लगाना, लगाना मतलब बेटा क्या, जोर से हंसना। थर्ड देखो बेटा, थर्ड जो है बेटा उसका मुहावरा क्या है, देखो पहले मन महसूस कर रह गया, मतलब मन महसूस कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना मतलब बेटा कुछ न कर पाना। देखो अभी वाक्य देखो, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया, मतलब उसे कुछ भी बेटा प्रतिसाद नहीं मिला। बरबर उसे कुछ प्रतिसाद न मिलने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो जो जोकर है कुछ भी नहीं कर पाया और मायूस हो गया। देखो इधर चित्र में दिख रहा है, देखो वो जोकर। फोर्थ देखो बेटा, चौथा देखो, खेल समाप्त तो होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। देखो बेटा खेल समाप्त तो हो गया मतलब सर्कस खत्म हो गई, तो कुछ बच्चों ने बेटा जोकर को धन्यवाद कहा, धन्यवाद कहा मतलब उसे थैंक यू कहा, तभी जोकर फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाया मतलब बेटा बहुत वो खुश हो गया, फूला नहीं समाना मतलब अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना। तो बहुत खुश होना इससे एक वाक्य बनाया है कि खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया, मतलब फूला नहीं समाना इसका अर्थ होता है बेटा अत्यंत खुश होना, मतलब वो बहुत खुश हो गया। अभी फिफ्थ, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अभी दंग रहना मतलब बेटा आश्चर्यचकित हो जाना, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना कि एक लड़का है, वो लड़का क्या कर रहा है, मेरी ही नकल कर रहा है। ये जोकर है ना बेटा, जोकर क्या कर रहा है, एक लड़का है वो मेरी ही नकल कर रहा है। यह देखकर जो जोकर है, जोकर दंग रह गया, दंग रह गया मतलब जोकर आश्चर्यचकित हो गया। अभी सिक्स वाला देखो बेटा, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आग दिखा रहा था। देखो बेटा चित्र में देखो आग दिखा रहा है, बराबर चित्र से ही आपको समझ में आ गया रहेगा, आग दिखाना मतलब बेटा गुस्सा होना, आग दिखाना मतलब गुस्सा होना। जो बच्चे शोर मचा रहे थे उस बच्चे की तरफ देख के जोकर आग दिखा रहा था, मतलब उस बच्चों को बच्चों के ऊपर गुस्सा हो रहा था, मतलब आग दिखाना मतलब बेटा गुस्सा होना। अभी सेवेंथ, सातवां देखो बेटा, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखो बेटा जब मौका मिलता है
कब जो जोकर रहता है ना बेटा, मौका मिलने पर जोकर क्या करता है, सभी कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है। मतलब बेटा जो सभी जो लोग रहते हैं, सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन श्रेय किसे जाता है, जोकर को जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब अवसरवादी होना, मतलब बेटा अवसरवादी होना। अभी ये देखो बेटा, आजा, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब क्या पता है कि बेटा, जोकर को गाना नहीं आता गाने को, लेकिन कुछ तो बहाना बनाता है वो, और बहाना बनाते हुए क्या कहता है, मेरा गला खराब है। मेरा गला खराब है, आज मैं गाना नहीं गाऊंगा, ऐसा में झूठ मूठ क्या कहता है, लेकिन सच बात क्या है, उसे गाना ही नहीं गाना आता, बरबर ना। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब बेटा अपना जो दोष रहता है, अपनी जो कमियां रहती है, वो छिपाने के लिए दूसरों की कमी बताना, दूसरों की कमी बताना, अपने दोष छिपाने के लिए दूसरों की कमी बताना, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये हो गया बेटा। अच्छा हाँ, देखो बेटा जो हमने मुहावरे सुने उसके देखो बेटा इधर अर्थ दिए हुए। देखो, जान पर खेलना, जान पर खेलना मतलब बेटा प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना, मन महसूस कर रह जाना मतलब कुछ न कर पाना, फूला न समाना मतलब अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना मतलब गुस्सा होना। और कहावतें कौन सी आई देखो बेटा, गंगा जो लास्ट वाले दो थे ना बेटा, वो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब बेटा अवसरवादी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपना दोष छिपाने के लिए, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। बेटा इसके ओके। अभी बेटा हम क्या करेंगे, एक मिनट, इधर ना बेटा एक बॉक्स दिया हुआ है बरबर, अभी इसे बेटा कैसे सॉल्व करना है ये हमें अभी देखना है। अभी सर आपको एक बता रहे बेटा, अच्छे से देखो। पहला है ना बेटा अनुक्रमांक, देखो ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है, ये देखो बेटा इधर क्या दिया हुआ है, चित्र का पहला अक्षर, मतलब देखो बेटा इधर हमें क्या करना है बेटा, इधर आंसर लिखना है। देखो सर अच्छे से बता रहे बेटा, अच्छे से ध्यान दो क्योंकि सर एक ही बताने वाले। देखो बेटा इधर हमें आंसर लिखना है, इधर ब्लैंक दिया है ना, हाँ इधर बेटा हमें आंसर लिखना है, राइट। कलम, कौन सा शब्द तैयार हो गया, कलम, कलम मतलब बेटा पेन, राइट। वैसे ही बेटा हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, सेकंड वाला देखना है। अभी दूसरा देखो बेटा, ये क्या है बेटा, कागज है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कागज। फिर कागज का पहला अक्षर कौन सा आएगा बेटा, का, कागज का पहला अक्षर कौन सा आएगा, का, बरबर। देखो इधर सर ने लिखा है, कागज का पहला अक्षर आएगा का, बरबर।